हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थियोरी की आज हम बात करेंगे। हम मोटिवेशन की थियोरीज की बात कर रहे हैं सीरीज में, उसी में से एक है हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थियोरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोटिवेशन की जो थियोरीज हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होंगी कंटेंट थियोरीज और एक होंगी प्रोसेस थियोरीज। अगर आपको ये नहीं पता तो एक बार पीछे वाली वीडियोज देख लीजिएगा मोटिवेशन से रिलेटेड। जहां पर भी मोटिवेशन एज अ टॉपिक है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में, वहां पर आपको ये हेल्पफुल रहेगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। सो थियरीज ऑफ मोटिवेशन में जो हर्ज़बर्ग की थियरी है टू फैक्टर थियरी, उसको क्योंकि ऑब्वियसली हर्ज़बर्ग ने दी है तो उनका नाम तो आएगा ही, एंड मोटिवेशन हाइजीन थियरी के नाम से भी जाना जाता है या ड्यूअल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। मोटिवेशन या हाइजीन क्यों? क्योंकि एक फैक्टर उन्होंने मोटिवेशन दिया और दूसरा फैक्टर था हाइजीन फैक्टर, ठीक है। कई बार मेंटेनेंस फैक्टर भी इसको बोल दिया जाता है। किसने दिया है? ऑब्वियसली फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया है। थियरी क्या आर्ग्यू करती है? ये वर्क प्लेस पे, मतलब जब हम कहीं पे भी कोई काम करते हैं तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हम जो है जॉब से सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फेक्शन है हमारी जॉब में, राइट। सो वही दो एक्सक्लूसिव फैक्टर इन्होंने दिए हैं, यानी कि ये थियरी जो है दो सेपरेट सेट की बात करती है वर्क प्लेस पे, जो कि या तो क्या करेंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन को कॉज करेंगे, मतलब वो फैक्टर्स, या फिर जॉब डिससेटिस्फेक्शन को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो दो फैक्टर्स रहेंगे। ही स्टडीड दैट वेरिएबल्स, जो ये दो बात हम कर रहे हैं, दैट आर परसीव्ड टू बी डिजायरेबल टू अचीव गोल्स एंड अनडिजायरेबल कंडीशंस टू अवॉइड, यानी कि जो हमारे डिजायरेबल चीजें हैं उनको हम अचीव करना चाह रहे हैं, सो हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिजायरेबल कंडीशंस होनी चाहिए ताकि हम अपना गोल अचीव कर पाए, और जो अनडिजायरेबल चीज है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। मतलब कैसे हम उनको कम कर सकते हैं, ये चीज को हम ध्यान रखेंगे। बेसिकली अगर अभी भी समझ नहीं आया तो दो फैक्टर याद रखिए, एक रहेगा मोटिवेशन फैक्टर और दूसरा रहेगा हाइजीन फैक्टर, ठीक है, हाइजीन एंड मोटिवेशन। यानी कि ये फैक्टर्स क्या करेंगे, या तो ये फैक्टर्स जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेंगे या फिर जॉब डिससेटिस्फेक्शन को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो ये डिससेटिस्फेक्शन और सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं जॉब के एस्पेक्ट में, तो इन्होंने क्या किया था, एक स्टडी कंडक्ट की थी 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स पे, जिसमें इन्होंने क्या किया, उनके एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के बारे में बात की, ठीक है। सो ये जानना चाह रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या अपने ये जो स्टडी है इसके थ्रू, कि उनके लिए जो जॉब प्लेस है उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं जो एक्सेप्शनली गुड हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं जो एक्सेप्शनली बैड हैं, मतलब किन चीजों से, किन कंडीशन से वो हैप्पी हैं और किन कंडीशन से वो दुखी हैं, ठीक है जी। सो इस थियोरी के थ्रू फिर हर्ज़बर्ग ने क्या किया, दो जॉब कंडीशंस जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर दी, और इंडिपेंडेंट होने के बाद इन्होंने क्या किया, ये दो जो जॉब कंडीशंस हैं इनको दो फैक्टर मान लिया। कौन कौन से फैक्टर है? पहला है मोटिवेशन फैक्टर। सो मोटिवेशन फैक्टर में ये आर्ग्यू करते हैं कि मोटिवेशन फैक्टर्स जो है वो जरूरी है, किस लिए? टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड कितने हैं या कितने और हो सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा? मोटिवेशन फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। बेसिकली इन इन ये जो फैक्टर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, ये इंट्रिंसिक हैं आपकी जॉब से, मतलब जो आपकी जॉब कंडीशंस हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, वो चीज की इंट्रिंसिकली आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इन फैक्टर्स का। सो मोटिवेशन फैक्टर्स का आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि दीज आर नेसेसरी टू इम्प्रूव द जॉब कंडीशंस, जॉब सेटिस्फेक्शन, एंड दूसरा दीज फैक्टर्स आर इंट्रिंसिक टू द जॉब। अगर इंट्रिंसिक है तो लेड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, जिसकी वजह से क्यों होगा ये, बिकॉज दे सेटिस्फाई द नीड्स फॉर ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब जब आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी चीज, जो चीजों की जरूरत होगी वो चीजें क्या होंगी, मोटिवेशन फैक्टर्स होंगे। दूसरा फैक्टर जो है वो है हाइजीन फैक्टर। जब मैंने बोला आपको कि मोटिवेशन फैक्टर क्या करेगा, जो आपकी इंप्रूव करेगा, जो इंक्रीज करेगा आपके जॉब सेटिस्फेक्शन को, हाइजीन फैक्टर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे आपके जॉब के डिससेटिस्फेक्शन को। बात सेम है, दो अलग तरीके से कही गई है, ठीक है।
हाइजीन फैक्टर्स आर दोज विच डिक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन. ओके, सो जो हर्जबर्ग और मर्सनर एंड सिंडरमन जो थे उन्होंने इस टर्म को यूज किया, किस ये जो हाइजीन टर्म है, क्योंकि हम यूजुअली हाइजीन, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन या मेडिकल टर्म्स में यूज करते हैं ना. सो जो मेडिकल हाइजीन है वो ऑपरेट करती है जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनको रिमूव करने में, राइट. मतलब हमें क्या दिक्कत हो रही है उसको हम कम करना चाह रहे हैं. सो जो डिससेटिस्फेक्शन आपको जॉब में हो रही है उसको हम यहाँ पे डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है. यानी जो जो चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हम उनको या तो अवॉइड करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या क्या उनको इनको इंप्रूव करेंगे, राइट. सो हर्जबर्ग ऑल्सो स्टेट्स दैट जो हाइजीन और फैक्टर्स हैं वो क्या है, एक्सट्रिंसिक टू द जॉब. सो ये चीज ध्यान रखिए कि जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो इंट्रिंसिक हैं, इंट्रिंसिक टू जॉब, एंड हाइजीन फैक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक टू जॉब. सो ये दो फैक्टर की थियरी है. एटलीस्ट आप इतना ध्यान रखिए कि ये दो फैक्टर कौन कौन से हैं और ये थियरी किसने दी है मोटिवेशन के फील्ड में. अगर इनके ओरिजिनल पेपर की मैं बात करूं तो हर्जबर्ग ने 14 मोटिवेशनल और हाइजीन फैक्टर्स की जो है वो बात की थी. कुछ एक फैक्टर्स हम यहां देख लेते हैं जो सेटिस्फायर्स हैं, जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं या मोटिवेटर्स हैं वो क्या है, वो इंप्रूव करते हैं, हेल्प टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन. एंड जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, डिससेटिस्फायर्स हैं, वो डिक्रीज करेंगे जॉब डिससेटिस्फेक्शन को. सो ये टेबल एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बहुत डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट आप लॉजिकली सोचेंगे, कॉन्सेप्चुअली, तो आपको समझ आ जाएगा. मान लीजिए परफॉर्मेंस और अचीवमेंट है, वो अगर वो इंक्रीज होगी ना, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करेगी. ऐसे ही रिकग्निशन अगर आपको मिलेगा, जॉब स्टेटस आपका अगर बढ़िया है, इंप्रूव हो रहा है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा. अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पर्सनल ग्रोथ में आपके हेल्प हो रही है, आप अपना काम खुद कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या करेंगी, अगर आप खुशी से चीजें कर रहे हैं और ये चीजें आपके किस में हेल्प करेंगी, जॉब के सेटिस्फेक्शन में, कि आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से. अब कुछ एक चीजें ऐसी, मान लो सैलरी डिक्रीज हो रही है तो हमें उसको इंप्रूव करना है. अगर सैलरी इंप्रूव होगी तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा थोड़ा सा. मतलब आप चलो परफॉर्मेंस और अचीवमेंट आपकी एनहेंस नहीं हो रही है, बट आपकी सैलरी सही है, तो आप सैलरी के लिए भी तो जॉब कर सकते हैं ना. तो जब सैलरी के लिए कर रहे हैं तो एक सैलरी वाला जो फैक्टर है वो क्या करेगा, जॉब डिससेटिस्फेक्शन को कम कर देगा. ऐसे ही वर्किंग कंडीशन, फिजिकल वर्क स्पेस, आपके रिलेशनशिप आपके कलीग्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, क्वालिटी क्या है सुपरवाइजर की, या पॉलिसीज और रूल्स क्या है जहां आप काम कर रहे हैं. सो मेजर तौर पे ये दो फैक्टर्स रहेंगे, आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे. जब हम थियरीज ऑफ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मैस्लो, एल्डर्फर, मैकलैंड और आज हमने बात कर ली हर्जबर्ग की टू फैक्टर थियरी की. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकग्रेगर की थियरी एक्स एंड थियरी वाई के बारे में. सो ये सारी की सारी कंटेंट थियरीज हैं. कंटेंट और प्रोसेस थियरीज क्या होती है वो डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो ये वीडियो. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग.